हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बायो होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं कि अपकमिंग कार के लिए वेट करना चाहिए भी या नहीं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाटा कर्व। ये कर्व आखिर है क्या और इसके लिए वेट क्यों करें? देखिए, कर्व एक कूपे एसयूवी है। ऐसी स्टाइलिंग हमने सबसे पहले देखी थी बीएमडब्ल्यू X6 के साथ। वही प्रीमियम लग्जूरियस स्लाइटली हटके स्टाइलिंग अब हमें एक मास मार्केट कार में मिलेगी लाइक द टाटा कर्व। अब ये है तो नेक्सॉन बेस्ड, लेकिन ये टक्कर लेगी कुशाक, टाइगोन, विटारा, हाई राइडर, सेल्टोस, क्रेटा जैसे एसयूवीज के साथ। यानी आप प्राइस रेंज मान के चल सकते हैं 11 से 20 लाख रुपए का होगा, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट यू चूज। अब इस कर्व के लिए वेट क्यों करें, स्पेशली कंसिडरिंग इस सेगमेंट में ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं का देखो, माय नेम इज अरुण, लेट्स बिगिन। देखिए, टाटा कर्व के लिए वेट करने का सबसे बड़ा रीजन है इसके लुक्स, इसका डिजाइन। ये जो कूपे इंस्पायर्ड एसयूवी डिजाइन है वो इस सेगमेंट में टोटली हटके है और लोग इसे पलट पलट कर देखते हैं। कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग दी गई है बोथ एट द फ्रंट एंड द रियर। 18 इंच के अलॉय व्हील्स है, स्लोपिंग रूफ लाइन है, फ्लश फिटिंग डोर हैंडल्स है। अब ये डिजाइन सिर्फ शो के लिए नहीं है, बिकॉज इट इज अ नॉच बैक लाइक डिजाइन। जो बूट ओपनिंग है वो भी बहुत बड़ी हो जाती है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स क्लेम करता है कि कर्व में आपको 422 लीटर का बूट मिलेगा, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन इट्स सेगमेंट। तो अगर आपके लिए डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रोड पर थोड़ा सा अटेंशन चाहिए, आप कर्व के लिए डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। और एक बात, इस कर्व का डार्क एडिशन इमेजिन कीजिए विद स्लाइटली लार्जर अलॉय व्हील्स। टाटा कर्व के साथ आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन मिलेगा। अब मानना यह है कि टाटा मोटर्स जो है कर्व में दो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकता है, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल जो फिलहाल नेक्सॉन में मिलता है, और एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। अब ये जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल है उसके नंबर्स काफ़ी हाई है, काफ़ी फन टू ड्राइव ये हो सकती है। दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है जो हमने ऑलरेडी नेक्सॉन में एक्सपीरियंस किया है। फिलहाल इस सेगमेंट में अगर आपको एक डीजल इंजन चाहिए, आपके चॉइसेस लिमिटेड है टू द ह्युंडई क्रेटा एंड द किया सेल्टोस। तो अगर आप एक डीजल एसयूवी चुनना चाहते हैं इन दिस प्राइस पॉइंट, कंसिडर वेटिंग फॉर द टाटा कर्व। टाटा मोटर्स के सभी नए प्रोडक्ट्स में ढेर सारे फीचर्स होते हैं और कर्व में भी आपको फीचर्स की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब नेक्सॉन में जो भी फीचर्स मिलते हैं वो मान के चलिए कर्व में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, वायरलेस चार्जर, ये सारे फीचर्स तो होने ही है। लेकिन कर्व में आपको एक बड़ा 12.3 इंच टचस्क्रीन मिलेगा फ्रॉम द हैरियर एंड द सफारी, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा और लेवल 2 ADAS भी। तो अगर आपके लिए आपके अगले एसयूवी का फीचर पैक्ड होना बहुत ज़रूरी है, वेट फॉर द टाटा कर्व। फाइनली, आप टाटा मोटर से एक अच्छे सेफ्टी स्कोर की उम्मीद रख सकते हैं। कर्व नेक्सॉन के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिससे ऑलरेडी एक फुल 5-स्टार रेटिंग मिली है फ्रॉम द ग्लोबल एनकैप। कर्व के टॉप मॉडल में ADAS के अलावा 6 एयरबैग्स और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, सो यू कैन अज्यूम दैट दिस कार इज गोइंग टू बी सेफ। तो अगर आपको आपके अगले एसयूवी के सेफ्टी के बारे में सेकेंड गेस नहीं करना है, यू कैन वेट फॉर द टाटा कर्व। चलिए अब देखते हैं कि इसी प्राइस रेंज में आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर SUVs की बात करूं तो ऑप्शंस ढेर सारे हैं। डिफॉल्ट ऑप्शन हो जाता है Hyundai Creta और किया सेल्टोस। देखिए, ये जो साउथ कोरियन जोड़ी है, यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं और एक अच्छी खासी फैमिली कार है। हाँ, यहाँ पर आपको अच्छे इंजन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, पेट्रोल है, डीजल है, टर्बो पेट्रोल भी है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द ग्रैंड विटारा एंड द हाई राइडर, जिसमें हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव जैसे यूनिक ऑप्शंस है। नॉन हाइब्रिड वर्जन्स भी है जो अगर आपकी यूजेज बेसिक है आप कंसिडर कर सकते हैं। स्कोडा और फोक्सवैगन आपको फन टू ड्राइव एसयूवीज देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द कुशाक एंड द टाइगोन, एंड देन देयर समथिंग लाइक द होंडा एलिवेट, जो एक सेंसिबल, स्पेशियस, कंफर्टेबल फैमिली कार है। तो बेस्ड ऑन योर नीड्स आप इन एसयूवीज में से किसी एक को चुन सकते हैं। सिमिलर प्राइस रेंज में आपके पास सेडान्स के भी ऑप्शन है, जैसे होंडा सिटी, वर्ना, स्लाविया और वर्टिस। यहां पर आपको रियर सीट स्पेस बेहतर मिलेगी, बूट स्पेस बेहतर मिलेगी, लेकिन आपको ग्राउंड क्लियरेंस पर एक हल्का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप इसी प्राइस रेंज में चाहें तो और बड़ी एसयूवी ले सकते हैं, जैसे हैरियर, XUV700 या हेक्टर।
यहां पर आपको उन SUVs के मिड मॉडल्स मिलेंगे, यानी फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज होगा पर स्पेस और कंफर्ट पर नहीं। अब ऐसे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो टाटा कर्व के फेवर में नहीं है। सबसे पहला, टाटा मोटर्स का क्वालिटी कंट्रोल और ओवरऑल रिलायबिलिटी एस्पेक्ट, इस पर टाटा मोटर्स को डेफिनेटली काम करना चाहिए। दूसरा, अगर टाटा मोटर्स का जो आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और कंसिस्टेंट हो जाए तो कर्व को रेकमेंड कर पाना और आसान हो जाएगा। एज एन ओवरऑल पैकेज, कर्व अपने फीचर्स, सेफ्टी और डिज़ाइन के दम पर आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। अगर ये तीन फैक्टर्स आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स है, आप इन्हें प्रायोरिटाइज करते हैं, यू शुड वेट फॉर द टाटा कर्व। वेट करना डेफिनेटली बनता है। आप इस एनालिसिस से सहमत हैं या नहीं, आप कर्व के लिए वेट करेंगे या नहीं, let me know in the comments. कोई questions or queries or doubts हो, please leave them down below. We'll reply to you as soon as we can. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching. Bye.